Hey guys, what's up? This is Abha Mahajan and welcome to the video. तो guys, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ भी टिप्स या मिस्टेक से रिलेटेड नॉलेज नहीं देने वाला। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी खुद की ओन स्टोरी। एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मेरे को एक ट्रेनर ने स्टेरॉइड्स ऑफर किए थे। तो क्या मैंने उस टाइम पे स्टेरॉइड्स लिए थे? इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये सच्ची में मेरे साथ हुआ है। तो अप्रैल 1, 2017 में मैंने जिम ज्वाइन किया था एंड उस टाइम पे जो मेरा वेट था वो था 90 kg। तो जो मेरा गोल था वो ये था कि मेरे को फैट लॉस करना है। तो मैं गाइस उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था, मैं डेली बेसिस पे जिम जा रहा था। बट अगर बात करें मेरी डाइट की तो वो मेरी ऑन पॉइंट नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी रिलेटेड टू माय कैलोरीज कि कितने प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मेरे को खाने चाहिए। बट फिर भी मैंने एक डाइट चार्ट अपना बनवा रखा था एंड आप मानोगे नहीं, जब एक ट्रेनर ने मेरा वो डाइट चार्ट बनाया था तो ना उन्होंने मेरी हाइट पूछी थी, ना वेट पूछा था, ना मेरा एक्टिविटी लेवल रूटीन, कुछ भी नहीं पूछा। एंड उन्होंने मेरे को एक रैंडम सा डाइट चार्ट मेरे को दे दिया। मैंने बहुत कंसिस्टेंटली उस डाइट चार्ट को फॉलो किया और आप मानोगे नहीं, मेरा 1 से 2 महीने बाद वेट और ज़्यादा बढ़ गया था, समवेयर अराउंड 92 kg। वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गया था एंड मेरे को ये लगा था कि मैं फैट लॉस नहीं कर सकता। एंड अगले दिन जब मैं अपने ट्रेनर के पास गया एंड उनको मैंने बताया कि मेरा वेट बढ़ गया, तो उन्होंने मेरे को एक प्रोडक्ट रिकमेंड किया जिसका नाम था क्लेनबेट्रोल। तो गाइज ये एक स्टेरॉयड है एंड मैं आपको पहले बता दूँ, मेरे को स्टेरॉयड से रिलेटेड बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो गाइज अगर मैं आपको अपना एक प्लस पॉइंट बताऊँ तो मेरे को रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है, तो एंड स्पेशली उन चीज़ों की जिनकी मेरे को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जब घर आया एंड मैंने जब इसकी रिसर्च करी तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस के देखे एंड उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को स्टेरॉइड्स नहीं लेने, नेचुरली अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है एंड मैंने वो जिम छोड़ दिया था। तो गाइस जो मैंने डिसएडवांटेजेस पढ़े थे स्टेरॉइड के, उनमें से पहला डिसएडवांटेज तो ये था कि आपकी बॉडी में एक्नेस होने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, आपकी बैक में एक्ने आ जाएगी, आपके फ्रंट में एक्ने आ जाएगी। जब मैंने दूसरा डिसएडवांटेज इसका पढ़ा उसके बाद तो मैं श्योर हो गया था कि मेरे को स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल भी नहीं लेने। आपकी बॉडी, जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। हाँ, आपकी सेक्सुअल लाइफ क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आप खुद सोचो, जब आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करेगी तो आप कुछ करने के लायक ही नहीं बचोगे। एंड क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा रहे हो। अगर मैं आपको इसका एक और डिसएडवांटेज बताऊँ तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब उनको ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम एक साइकिल चला लेंगे तो हम अपने फिजिक को ईजिली ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आई एग्री, आप अपने फिजिक को ईजिली ट्रांसफॉर्म कर लोगे, बट जितनी जल्दी आप अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म करते हो उतनी जल्दी आपकी फिजिक आउट ऑफ शेप भी हो जाती है। उसके बाद जब आपकी फिजिक आउट ऑफ शेप हो जाएगी तो आप फिर नेचुरली अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से एक स्टेरॉइड साइकिल चलानी पड़ेगी उस फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जब मैंने ये सारे डिसएडवांटेजेस पढ़े उसके बाद तो मैंने सोच लिया था कि मेरे को स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं स्टेरॉइड्स के एकदम कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। देखो, जिनको अपना प्रोफेशन बनाना है बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग में, तो वो तो स्टेरॉइड्स ले सकते हैं, जिनको अपना घर पालना है, क्योंकि स्टेरॉइड्स के बिना आप कहीं पर भी कम्पीट नहीं कर पाओगे। बट मैं उन ट्रेनर्स के अगेंस्ट हूँ जो 16-17 साल के बच्चों को स्टेरॉइड्स ऑफर करते हैं विदाउट गाइडिंग देम कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एंड मैं आपको, उन ट्रेनर्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उनको स्टेरॉइड्स देने से बेटर उनको आप मोटिवेट करो कि आप नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी बॉडी को। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी ट्रेनर आपको कुछ भी रिकमेंड करे तो उसको कंज्यूम करने से बेटर पहले आप उस पर रिसर्च करें कि ये आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई खड़ा है एंड आपको लगता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसकी बॉडी अच्छी है तो उसके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप कम्पीट करना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर गाइडेंस लो जिसको नॉलेज हो रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन्स, नॉलेज हो रिलेटेड टू स्टेरॉइड्स।
ऐसे नहीं कि आप किसी के भी गाइडेंस के अंडर आके स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर रहे हो। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो लाइक करो वीडियो को, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों से, ताकि कोई भी बिगनर जिम ज्वाइन करे एंड उसको कोई भी ऐसी एडवाइस दे तो उसे पता हो कि उसके लिए ये चीज अच्छी है कि नहीं है। एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस पे वीडियोस चाहिए, या आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे भी बता सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव बहुत रहता हूँ। सो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।